श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पहली दीपावली मनाई जाएगी, इसीलिए ये खास होने वाली है। सरकार ने भी इसे विशेष बनाने की पूरी योजना बनाई है। लाखों श्रद्धालु इस अवसर पर अयोध्या पहुंचने वाले हैं। ऐसे ही अवसर इस साल के शुरू में आया था जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंचे थे। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने जाने की व्यवस्था करना, फिर शहर में ठहरने का इंतजाम और इन सबके बीच सकुशल तीर्थ के दर्शन करवाना, कि स्वयं ही सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी और सरकार इसमें सफल भी रही है। रिपोर्ट के अनुसार 6 महीने में अयोध्या में 11 करोड़ पर्यटक पहुंच चुके हैं। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, लेकिन ये सब मुमकिन हुआ कैसे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या को इंफ्रास्ट्रक्चर के विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में स्थापित कर दिया है। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अयोध्या का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिसमें 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट से काम किया जाएगा। अलग अलग एजेंसियां 31,662 करोड़ रुपए के बजट के साथ शहर को नया रूप दे रही है। NHAI 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश PWD ने 7,500 करोड़ रुपए की 34 परियोजनाएं शुरू की हैं। सड़क हो, रेल हो या फिर एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी के हर माध्यम का कायाकल्प किया जा रहा है। यात्रियों के लिए चौड़ी और सुंदर सड़कें बनाई गई हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण है रामपथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ, जो तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों की पहुँच बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भविष्य में आने वाली जरूरतों को देखते हुए किया जा रहा है। अयोध्या धाम के जिस विशाल हाईटेक रेलवे स्टेशन का लोकार्पण पीएम मोदी ने 30 दिसंबर 2023 को किया था, उसके दूसरे फेज का निर्माण भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। निर्माण करवा रही सरकारी कंपनी राइट्स के अनुसार दिसंबर 2024 तक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का काम पूरा हो जाएगा। यहाँ एक साथ करीब 15,000 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है और सुविधाएं ऐसी मानो रेलवे स्टेशन न होकर कोई एयरपोर्ट हो। अयोध्या के लिए विभिन्न शहरों से 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन्स की भी व्यवस्था की गई। अभी 2 दिन पहले ही बिहार के सीतामढ़ी और उसके आसपास के जिलों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार द्वारा 45,553 करोड़ की लागत से 265 किलोमीटर लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा, जिससे सीतामढ़ी से अयोध्या आवागमन में श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। दीपावली पर भारतीय रेलवे ने अयोध्या जाने का प्लान कर रहे यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। अलग अलग रूटों पर चलने वाली ये ट्रेनें अयोध्या से होकर जाएंगी। क्या हम आज से 10 साल पहले इस स्तर की कनेक्टिविटी के बारे में सोच सकते थे? सरकारों के पास शक्ति तब भी थी, हिंदू तीर्थ स्थल तब भी थे, हिंदू समाज के लिए उनका महत्व तब भी उतना ही था, लेकिन तीर्थ स्थलों पर व्यवस्था के नाम पर सिर्फ नाम मात्र की सुविधाएं। आज सरकार ने हर प्रकार के तीर्थयात्री के बारे में सोचा है। भारत में हर तरह की आय वाले तीर्थयात्री हैं और इसीलिए उनके लिए अलग अलग सुविधाएं बनाना आवश्यक है। सड़कें भी बनी हैं तो रेलवे भी, और देश विदेश के यात्रियों के लिए एयरपोर्ट भी। अयोध्या में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक भव्य कार्यक्रम में किया था। इसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम रखा गया है। इस एयरपोर्ट की सालाना क्षमता 60 लाख यात्रियों की है। प्रतिदिन यहां 12 से 14 विमान उड़ान भरते और उतरते हैं। यात्रियों की संख्या की बात करें तो रोजाना 3,500 से 4,000 यात्री आते जाते हैं। सरकार की योजना इसका विस्तार करने की है। इसके तहत रनवे की लंबाई भी मौजूदा 2,200 मीटर से बढ़ाकर 3,750 मीटर तक कर दी जाएगी, ताकि बड़े बड़े यात्री विमान भी यहाँ उतर सकें। कुल मिलाकर बात यह है कि केंद्र सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि देश में कहीं भी कोई भी श्रद्धालु या पर्यटक सिर्फ इसलिए न छूट जाए कि उसे अयोध्या पहुँचने का साधन नहीं मिल सका। श्री राम को नदी पार करवाने के लिए केवट को भी नाव की आवश्यकता लगी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वता मोदी सरकार जानती है। योगी सरकार ने भी घोषणा की है कि 2033 तक अयोध्या को विश्व स्तर का शहर बनाया जाएगा। प्रभु श्री राम के भक्तों को भगवान से मिलाने का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। जय श्री राम।